हाँ तो भैया स्टार्ट करें। ये छोटू अपना ही केक ले आए हैं अपनी बर्थडे जी कोई लाया था तो खुद ही अपने बर्थडे पे केक लिया है। गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये पहले आ चुके थे लेकिन वो बैग में था। हाँ तो भैया आज 27 सितंबर और कल है 28 सितंबर तो कल हमारा बर्थडे है तो अभी हम जा रहे हैं अपने दोस्तों के पास। मेरे दोस्त आए हुए हैं ओयो टाउन हाउस में रुके हुए हैं तो अभी वहाँ जाते हैं और वहाँ का कुछ व्लॉग बनाते हैं। तो भैया हम टाउन हाउस पहुंच चुके थे तो जो हमारे भूरे भैया है वो हमें काफ़ी मिस कर रहे थे तो हमारे भूरे भैया ने कुछ हमारा वेलकम इस तरीके से किया। प्यार कर रहा है ना प्यार करके बैठा हूं। अरे तू तो आई नहीं रहा इसमें गंगा जल तो छिड़क दूं। वेलकमिंग आवर कैमरामैन फ्री में इनने पैकेज लिया है पूरा पैकेज फ्री में लिया है। ये फोटोग्राफर मॉडल है ये देख रहे हैं मॉडल। तो भैया मेरा बर्थडे था 28 सितंबर को तो एक दिन पहले क्या हुआ पहले उसे देख लेते हैं। अरे इसी ना हाँ तो भैया मजा आया ना और ये मजा आपको आखिरी तक आए ये हमारी गारंटी है। हाँ तो मैंने कोशिश तो की है कि मेरे दोस्त गाली ना दे व्लॉग में बट एक आध दो गाली आ जाए तो इग्नोर करिएगा। हाँ तो चलिए भैया अब देखते हैं हमारे भूरे भैया की शायरी। आपका नाम होगा? मेरा नाम है क्या वो लाइट हार्ड के लाने वाला अग्गू अग्गू कुछ सुनाने जा रहे देखते क्या सुनाते स्टार्ट कर। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को राहत इंदौरी राहत इंदौरी कचहरी से कल आ रही है कैमरे में पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को अर्ज किया मेमोरी बताओ दिखा सुनो भाई सुनो हमने प्यार किया उनसे हमने प्यार किया उनसे और उसने दिल तोड़ा मेरा सब बोल रहे थे मैं भी बोली थी बार सब मैं जब से वेट कर रहा साफ सुथरे में लोग बोल रहे हैं क्या है अब तू चुप रहते थे बोले थे मेरे को सारे प्यार ही ना हुआ उसने दिल तोड़ा मेरा। अरे ना 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 ये सुना हुआ है मेरे को पटेल याद आ गया भाई बता के फिर मेरे को पटेल याद आ गया फिर बोली बेबी मुझे मिस करते हो हमने कह दिया जी। तो भैया एक शायरी मेरी तरफ से दोस्त की महक इससे कम नहीं होती इसमें जिंदगी खत्म नहीं होती और साथ है वो ऐसे अच्छे दोस्तों का तो जिंदगी जन्नत से कम है। तो गिफ्ट तो लोगों को बहुत मिलते होंगे लेकिन हमें जो गिफ्ट मिला है वो कम ही लोगों को मिल पाता है क्योंकि लोगों के 3-4 अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन हमारे 10-12 अच्छे दोस्त हैं। तो मेरा जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है वो मेरे खुद के दोस्त ही है। अब वो कैसे व्लॉग के आखिर तक आपको पता लग ही जाएगा। अब थोड़ा बैकग्राउंड को चेंज करते हैं।
बैकग्राउंड कैसा है? हाँ तो भैया अभी हम रुके हैं ओयो टाउन हाउस में और फिलहाल हम चाय पीने के लिए आए। ये हमारे दो दोस्त हैं, एक का नाम है भूरा और एक का नाम एमसी, निक नाम एमसी है मोहित चौहान। तो अभी भूरे को चाय पीना था तो हम यहाँ पे आए चाय पीने के लिए। तो मैंने कुछ चाय की रिकॉर्डिंग की है, बी रोल और सिनेमैटिक, उसकी वीडियो देखते हैं। तो भैया अब आ चुका है मेरा बर्थडे वाला दिन। तो कई लोग लल्ली भैया का वेट कर रहे होंगे, तो लो भैया आगे आपके लल्ली भैया। तो गाइस आपने पहला व्लॉग तो देख ही लिया होगा, ये हमारा दूसरा व्लॉग है। अरे बिर लग जाओ ना लोग गाने की, क्या कौन बना रहे हैं नाना यू भी डाल दियो। तो आज छोटू का जन्मदिन है। अरे भाई ये यार इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे ड्राइंग चल रही है उसका, ये हमारा यार नहीं है। ठीक है गाइस ब्लॉग यहीं काटना पड़ी बनाओ। तो हेलो गाइस शुरू करते हैं हमारा ब्लॉग नया। तो दोस्तों आ गए, तो गाइस ये वाला भी यही खत्म करना पड़ेगा, मतलब बिना गाली के तो व्लॉग हो ही नहीं सकता। हमने हमारे तीन व्लॉग तो देख ही लिए होंगे, ये हमारा चौथा व्लॉग है। ठीक है, और हमने अभी नई नई पेंटर हायर किया हमने, मतलब यहाँ पे कंपटीशन है क्या? तो ये सबसे बढ़िया है और क्या ये गाइस ये मेरे बनाए हुए कलर कर रहा है असली टैलेंट पूछे कैमरे के, असली टैलेंटेड ये है गाइस आपको बता दें हम कमरा बंद गंदा बार बार करते हैं, सफाई वाला साथ ही रख लिया है। ठीक है, हम सबको प्यार देते हैं, थैंक यू सर, इज्जत दी। सेटअप ये भाई व्लॉग का सेटअप कर दिया है, डीएसएलआर हमारा ये रहा, उस दिन से सीख ही रहे हम, डीएसएलआर चलाना नहीं आता, फोन से ही बनाते हैं। और ये केक ले आए हम नया छोटू कहाँ गए हो? तो गाइस आज के लिए व्लॉग में इतना ही, अभी केक कटेगा, सब में बटेगा, गाना सुन सकते लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है वो हमारा पहले व्लॉग में कुछ ज्यादा ही पैसे कमा लिए तो हमने आईफोन भी ले लिया नया, क्लैरिटी में आपको पता लग ही रहा होगा कि कितने करीब भी आ रहे हैं, और फिर इतने पैसे आए गए तो एक बंदा भी रख लिया साथ साथ। तो हमारा एक और केक आने वाला है, और ये छोटू अपना ही केक ले आए हैं अपनी बर्थडे कोई लाया था तो खुद ही अपने बर्थडे पे केक लिया है। गाइस मैं बताना चाहता हूँ ये पहले आ चुके थे लेकिन वो बैग में था। आपको आपको हम केक दिखा देते हैं, आपको बता दे हमारे व्लॉग स्क्रिप्टेड है यार। छोटू यो मंगाना ही तो फिर यो क्यों मंगवाओ हमारे तो? आपको बता भाई इतने भी पैसे नहीं कमाए थे हमने, वो सब फेक था, आईफोन भी सेकंड हैंड था। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, ये देखो एक ये शेर और ये रहा शेर, शेर देखो शेर। बातें बहुत होगी, चलिए आप बर्थडे सेलिब्रेट करें। अरे खोल देने मास्क, नहीं मास्क तब खुलेगा जब 1 मिलियन बोल जाऊंगी तो आजाद हो जाने। ये गाइस ये मेरा मुंह है, ओए अरे साइड से जो ये मेरा जब 1 मिलियन जब तक अनबॉक्सिंग करते हैं मोटो लैपटॉप में है मैं दिखा दूंगा। हेलो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ ये मास जब तक नहीं उतरेगा जब तक मेरे 1 मिलियन मेरे नहीं मतलब छोटू बिट्टू भैया के छोटू बिट्टू भैया के जब तक ये नहीं हो जाते मैं ये मास नहीं उतारूंगा। मास 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 तो करवा दोगे बहुत बोल रहे थे अब गाली देने बंद कर दिए तो कुछ भी नहीं बोल पा रहे कुछ शब्द ही नहीं इनके पास अब कहने लायक। जब से व्लॉग बनाना शुरू किया है गालियां बंद कर दी है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा व्लॉग।
सॉरी गाइस अंकल भी देखते हैं हम लोग वाइन नहीं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक गाइस हम बियर दारू लेके आए थे लेकिन ब्लॉग के लिए हमने छुपा दिया नंबर वन होते कि सॉरी अंकल तो चलिए शुरू करते हैं चलो छोटू का सॉरी गाइस दूसरे कैमरे के आगे आ गया मैं सारी फुटेज में देख लिया आप तो चुटिए थे लड़की एक फूक बुझानी थी भेदभाव नहीं करते किसी के साथ हाँ तो भैया इस व्लॉग देख के मजा आया है कि नहीं आया? नहीं आया क्योंकि बोलना तो बनता ही है। बिट्टू भैया बहुत ही बढ़िया।